रहा है, वक्त बदल रहा है। आज के दौर में ये जो महिलाएं हैं, ये घर से बाहर निकलती हैं, देश के विकास में योगदान देती हैं, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। फिल्मी पर्दे की बात करें, खेल के मैदान की बात करें, या फिर राजनीति के अखाड़े की, ये महिलाएं न सिर्फ पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही हैं, बल्कि अब उनसे आगे भी निकल रही हैं। ये महिलाएं न सिर्फ पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बल्कि कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं। सवाल यहां ये उठता है कि क्या हमेशा से महिलाओं का इतना आगे बढ़ना आसान था? इस सवाल का जवाब है नहीं। एक वक्त था जब कोई महिला पढ़ाई के लिए भी घर से बाहर निकल रही है तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन बदलाव और विकास की शुरुआत क्योंकि खुद से होती है, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बदलाव लाए समाज में और विचारधारा को बदला। ऐसी ही एक महिला है सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। आज की तारीख में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, बल्कि लाखों महिलाओं की प्रेरणा है सुषमा स्वराज, जो देश की संसद में बोले या विदेश जाकर समा तालियों की घरघराहट से गूंज उठता है। सुषमा स्वराज जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, और आज उन्हीं सुषमा की निजी जिंदगी पर हम आपसे बात करेंगे। राजनीति के अखाड़े में किस तरह से सुषमा स्वराज ने बुलंदियों को छुआ है, किस तरह से आज बेदाग दामन के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ सुषमा स्वराज खड़ी हैं और हर कोई उनकी तारीफ करता है। वो सुषमा स्वराज निजी जिंदगी में जब कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी तब उन्हें हो गया प्यार, और इस प्यार को सुषमा स्वराज ने पाया। हालांकि आसान नहीं रहा उनके लिए, एक तरह से देखा जाए तो सुषमा स्वराज और प्यार का गहरा नाता रहा है, और वो इसलिए क्योंकि 14 फरवरी, जिस दिन को प्यार के दिन के तौर पर सब मनाते हैं, उसी दिन सुषमा स्वराज का जन्म हुआ। जिसका प्यार से इतना गहरा नाता है, अपने प्यार को पाने के लिए उन्हें कई मेहनत करनी पड़ी, कई इम्तिहान देने पड़े। तो आज एक खास रिपोर्ट के जरिए सुषमा स्वराज की प्यारी सी प्रेम कहानी पर एक नजर डालेंगे, देखिए जरा। आज इस खास पेशकश में हम आपसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज पर बात करने वाले हैं, सुषमा स्वराज की निजी जिंदगी के बारे में, सुषमा स्वराज के प्यार के बारे में, उनकी शादी के बारे में, उनके परिवार के बारे में। बता दें आपको, सुषमा स्वराज और प्यार का एक अनोखा रिश्ता है, एक गहरा रिश्ता है, और वो इसलिए क्योंकि 14 फरवरी को जब पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाती है, जब 14 फरवरी को ये पूरी दुनिया प्यार का इजहार करती है, तो इसी दिन सुषमा स्वराज अपना बर्थडे मनाती है। जी हाँ, 14 फरवरी सन 1952 को हरियाणा के अंबाला में सुषमा स्वराज का जन्म हुआ। वो जितनी बेबाक नेता, जबरदस्त नेता, मंत्री और जितनी शानदार इंसान हैं, उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा संजीदापन भी है। जी हाँ, सुषमा स्वराज बेहद संजीदे इंसान हैं। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। दिलचस्प बात यह है कि आज की तारीख में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि सुषमा स्वराज ने लव मैरिज की। जी हाँ, सुषमा स्वराज ने लव मैरिज की। कॉलेज के दिनों में उन्हें हो गया स्वराज कौशल से प्यार, ये प्यार चढ़ा परवान, और उसके बाद इनकी मेहनत के बलबूते सुषमा स्वराज और उनके जो पति हैं स्वराज कौशल, दोनों ने अपनी शादी को मंजिल तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार और साफ छवि वाली लोकप्रिय नेता सुषमा स्वराज ने 13 जुलाई 1975 को शादी की। उनके पति सुप्रीम कोर्ट के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं। 34 साल की उम्र में देश की सबसे युवा एडवोकेट जनरल बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है। 37 साल की उम्र में मिजोरम के गवर्नर भी वो बने। अब इन सबके बीच में इनकी लव स्टोरी कहां से शुरू हुई, इनका प्यार परवान कैसे चढ़ा, चलिए जरा ये आपको बता दे हैं। इनकी प्रेम कहानी को लेकर ये कहा जाता है कि कॉलेज की दुनिया की प्रेम कहानी है ये, कॉलेज के दिनों की। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। इनकी पहली मुलाकात लॉ की पढ़ाई के दौरान हुई। सुषमा स्वराज क्योंकि खुद भी सुप्रीम कोर्ट की वकील रह चुकी है, खैर पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ लॉ डिपार्टमेंट में
सुषमा और स्वराज कौशल की पहली मुलाकात हुई। यहाँ दोनों पहली नजर में एक दूसरे को देखते रह गए। यहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये प्रेम कहानी अब तक जितनी आसान लग रही है आपको, इतनी आसान थी नहीं, क्योंकि शादी करना जरा भी आसान सुषमा स्वराज के लिए नहीं रहा। प्रेम विवाह के लिए इन दोनों को ही खूब पापड़ बेलने पड़े। दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को मनाने के लिए खूब मेहनत की। परेशानी और तनाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब सुषमा स्वराज ने प्रेम विवाह किया, तब हरियाणा की किसी लड़की के लिए प्रेम विवाह करना तो दूर, इस बारे में सोचना भी बड़ी बात थी। हरियाणा से ताल्लुक रखती हुई सुषमा स्वराज यहाँ पर 25 साल की उम्र में हिम्मत जुटा पाई और उन्होंने प्रेम विवाह किया। आज की तारीख में सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की एक बेटी है जिसका नाम बांसुरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, लॉ की पढ़ाई की है। और सुषमा स्वराज के पति के बारे में अगर बात की जाए तो वो 1998 से लेकर 2004 तक हरियाणा से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और सुषमा स्वराज के बारे में खास बात बताने के बारे में अगर सोचा जाए तो स्कूल के दिनों में NCC से वो जुड़ी रही हैं, कई भाषाएं जानती हैं, उनकी बेबाक हिंदी संसद भवन से लेकर यूनाइटेड नेशन तक हर किसी का दिल जीतती है। तो सुषमा स्वराज जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में, खैर चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन आज भी वो याद की जाती हैं। विदेश मंत्रालय में रहकर जो काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह से जनता की सहायता उन्होंने की है, वो आज भी हर जगह उनकी तारीफों की वजह बनती है।